बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की पुलिस को पब्लिक ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यह बिहार की पुलिस है जिसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और डर के मारे पुलिस टीम को जान बचाकर भागना पड़ा। यह हैरान करने वाली घटना बिहार के सीतामढ़ी से सामने आई है, जहां पर ग्रामीणों ने पुलिस की टीम को दौड़ाकर पीटा। पुलिस की टीम जाम हटवाने के लिए गई थी। पुलिस की गाड़ी गांव में पहुंची, इसी बीच भीड़ ने लाठी डंडे और ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की पिटाई की घटना सीतामढ़ी के पुपरी थाना क्षेत्र के भिट्टा गांव से सामने आई है। बताया जाता है कि गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। इससे नाराज होकर ग्रामीणों ने 18 फरवरी को सड़क जाम कर दिया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिस पर यूजर्स नीतीश कुमार की पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज पर भी तंज कस रहे हैं, क्योंकि हैरानी की बात यह है कि एक महीने के दौरान बिहार पुलिस की लोगों ने 16 बार पिटाई की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से पुलिस की गाड़ी बैक हो रही है, इसी बीच उस पर हमला कर दिया जाता है। गाड़ी के आसपास लोग मौजूद हैं और गाड़ी पर डंडे ईंट पत्थर बरसाए जा रहे हैं। इसके पहले पुलिस की टीम मौके से भागती हुई भी दिखाई देती है। इस घटना में 3 पुलिस वाले घायल हुए। मामले को लेकर पुलिस ने 10 महिलाओं समेत 25 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच जारी है। बताया जाता है कि भिट्टा गांव में 20 साल के महेश सहनी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इसके विरोध में महिलाएं और पुरुष सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान सड़क जाम भी कर दिया गया। जाम की सूचना पुलिस को मिली तो एक टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की। इसके बाद मामला काफी बिगड़ गया। इसको देखते हुए और पुलिस बल को बुलाया गया। इसी बीच प्रदर्शन कर रहे लोग नाराज हो गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते हंगामा बढ़ने लगा और पुलिस टीम पर हमला हो गया। इस दौरान काफी देर तक मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। बताते चलें कि पिछले एक महीने में बिहार पुलिस पर हमला करने की इस तरह की 16 घटनाएं हो चुकी है। यहां तक कि राजधानी पटना में भी 4 बार पुलिस की पिटाई की जा चुकी है। दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था का राज कायम है। नीतीश कुमार लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि बिहार की पुलिस काफी एक्टिव है, राज्य में अपराध पर पूरी तरह से कंट्रोल है और पुलिस लोगों की सुरक्षा में जुटी है। दूसरी तरफ पुलिस पर लगातार हमले से नीतीश कुमार के दावों पर सवालिया निशान भी लग रहा है। चलते चलते एक बार फिर से देखिए सीतामढ़ी में पुलिस पर हमले का वीडियो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।